प्रतिष्ठिता मनोमे वाचि प्रतिष्ठर्म धी वेद्यम वस्थ श्रुत मे अहोरात्रान् सन् दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शान्तिः 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 सदा शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ो माप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मनिराकुर्यां मा ब्रह्मनिराकरोत् निराकरणमस्त निरा मे अस्तु तदात्मन निरते उपनिषत्सुधर्मा ते मयि सन्त ते मयि सन्त ओ शांति 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 एक साथ ये मंत्र करेंगे ब्रह्म महादेवे व्युविजिग्गे तस्य ब्रम्डों विजयै देवामहियंत ते एकक्षंत अस्माकमेवायम विजयो अस्माकमेवायम महिमा इति तद्वैषां विजज्ञौ तेव योह प्रादुर्भव भूव तन्नं व्याजानत किमे दम ते एतद्विजानीहि कि तेय अग्निं भृवन्न तद तथेति तदव्य तमभ्यवदत कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीद वाहमस्मि इति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपि दीयगम् सर्वं दहेयम् यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतदहेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्ना शशाकदग्धुं सततैव निव्रव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ मा वायुम एतद् एतद अथ वायुम एतद् विजानीहि एतद यक्षमिति तथेति तदभ्य द्रवत तमभ्य कोसीति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीन मातरिष्वाहमस्मि इति तस्मिंस्त्वयि किम् वीर्यम् इत्यपि दीयगम् सर्वम् आददीय यदिदम् पृथिव्यामिति तस्मै तृणम् निदधौ एतद् आदद स्वेति तदुप्रेयाय सर्वजवीना तन्ना शशाकादातुम् सतते वने ब्रव्रते नैतदशकम् विज्ञातुम् यदि तद्यक्षमिति अतमिंद्रम् ब्रुवन्ना मगवन् एतद्विजानी ही किमितद्यक्षमिति तथेति तदब्यद्रवत तस्मान्तिरौ दधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियं मा जगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तागम् होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयखण्डः देख रहे थे छियासी पेज का ऊपर बैठो ठंडी लग जाएगी इसलिए दो पंक्तियां देखिएगा पीछे क्यों बैठता है फिर लोगों को सहयोग महात्म्य निर्मित न अदुति न विस्मापनीयेन रूपेण देवानामस मिदेवानाम इंद्रियों गोचरे प्रादुर्भुवः तत् प्रादुर्भूतं ब्रह्मा नव्याजानतः नैव विज्ञातवन तह देवह किमीदम् यक्षम् पूज्यम् महत्भूतमिति तेद अजाते तद जानन्तः देवाहा सांतर भयाहा तद् विज्ञासवह अग्रग्रामीण कल्पम अब्रुवन्न उक्तवत हे जातवेदस्मदोचरस्थ यक्ष विजानी विशेषतः बुद्ध्यस्व तम न तेजस्वी तथासु इति तद यक्षम तम्यद्रवत प्रगति प्रगतिवानग्नि तम चतव पिप्रक्षिषुम तत्समीपे अप्रगल्भत्वा तूष्णी भूत तद यक्ष तमब्यद्रवत अग्नि प्रत्याषत कॉसि सो so, यक्ष का जो शरीर है वह पांच भौतिक नहीं है वह प्रारब्ध वशात नहीं है इसलिए कल से तुलसीदास जी की बात कही निज इच्छा निर्मित तनु। ईश्वर का जो शरीर है वह किसी पुण्य का, का परिणाम नहीं है किसी प्रारब्ध का परिणाम नहीं है निज इच्छा निर्मित तनु जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी आखिरी आखिरी में वह यह थी जो हम लोग यक्ष का अर्थ यक्ष लेते हैं वह सर्वथा अनुचित है बोले ये कैसे कह रहे हैं जब हम लोग यक्ष का अर्थ लेते हैं तो हमारे अंतकरण में यक्ष कहते ही शब्द कहते ही क्या ध्वनित हुआ कि कोई देवता होगा यह युद्ध ही देवता और असुरों का था यक्ष यहां कोई योनि नहीं है ध्यान रखना है देवताओं में एक योनि है जो कुबेर का रिश्तेदार है वो यहां की बात नहीं की जा रही है इसलिए कभी भी यक्ष कहते हुए केनो उपनिषद में देवता कुबेर की कल्पना नहीं करनी है भाष्यकार ने इसलिए देखो यक्ष का अर्थ क्या किया किमेदम उपनिषद में यक्ष शब्द आया भाष्यकार ने उसका अर्थ क्या किया किमेदम यक्षम पूज्यम यक्ष का जो अर्थ है वह क्या है पूज्य टिप्पणी देखिए नीचे क्या है यक्षम पूज्यम मिल गया इतियत कर्मणि घय प्रत्यय अभिप्रायेण यक्ष पूज्यम घ प्रत्यय लगाकर यह जो शब्द बना ये क्या बना यक्ष और उसका जो अर्थ है वो क्या है पूज्य बोले ये किस तरीके से अर्थ कर दिया है? कल मैं कह रहा था दो प्रकार के अर्थ होते हैं एक अर्थ होता है व्युत्पत्ति से और एक अर्थ होता है रूढ़ जैसे कि पंकज शब्द जो है तो जो रूढ़ी अर्थ है वो हमने क्या ले लिया कमल अब व्युत्पत्ति अर्थ क्या होगा पंकाज जायते जो कीचड़ से जन्मता है तो कीचड़ से तो और भी सारी चीजें जन्म सकती हैं तो आपने पंख कमल ही अर्थ क्यों किया तो इस अर्थ को क्या कहेंगे रूढ़ी अर्थ ले लिया व्युत्पत्ति अर्थ नहीं लिया इसी तरीके से जो यक्ष शब्द है देखो वह यक्ष शब्द का जो व्युत्पत्ति अर्थ होगा वो क्या होगा पूज्य स्पष्ट हो गया तो अब यक्ष कहते ही हमारे सामने जो भाव बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए कोई देवी देवता नहीं है तो अभी अपने आप को प्रकट करेगा तो अब कल मैं कह रहा था दो भावनाएं एक साथ हैं देखो कैसे ते तद अजानंतह देवा वह उसको नहीं जान रहे थे कौन देवता सांतर भया हा। उनके अंतकरण में भय की वृत्ति आ गई भय की वृत्ति भी है और उसके व्यक्तित्व से पूज्य का भी भाव झलक रहा है तो पूज्यता का भी भाव है और भय की भी वृत्ति है बोले यह दो भावों का मिश्रण कैसे हो सकता है कल मैंने आपके सामने रखा कोई यदि वरिष्ठ बड़ व्यक्ति है पूजनीय व्यक्ति है गुरुवत व्यक्ति है तो गुरु के समीप भय का भी वृत्ति रहती है आपने देखा ही स्वामी जी के समीप भय की भी वृत्ति रहती है हाँ और भय की वृत्ति के साथ पूज्य की भी वृत्ति रहती है स्पष्ट होता है तो वहां पूज्यता की भी वृत्ति है और भय की भी वृत्ति है यही स्थिति देवताओं के साथ हुई तो आया ते तद अजानत भाष्य देखिएगा देवा हा, सांतर भया हा। मिल गया अच्छा हैं तो दैव वृत्ति के तो देखो दैव वृत्ति के अंदर से तो दैव वृत्ति के हैं कल भी कोई प्रश्न बाद में कर रहा था कि देवताओं में उसके बाद तो फिर असुर की वृत्ति आ जाती है आप कह रहे थे ना प्रश्न ध्वनी तो जब दैव वृत्ति रहती थी तब तो उनके सामने में प्रकट हो जाता है हमारे अंतकरण में क्या है चा? कल मैं कह रहा था जो अवतार है वह व्यष्टि में भी है और समष्टि में भी है अच्छा देखो आप जिस दिन जिस समय हमारे अंतकरण में भी देवी वृत्ति रहती है उस समय आपको नहीं लगता कि आपकी अंतर्यामी से कितनी स्पष्ट बात होती है पूजा और उपासना छूट जावे सत्संग छूट जावे संत सेवा छूट जावे ईश्वर दर्शन छूट जावे हाँ। उस दरमियान अंतकरण की स्थिति क्या होती है तो जब देवी वृत्ति नहीं है तो अपने में ही हीनता का एहसास होता है और लगता नहीं है कि बस चल रहा है लेकिन जैसे ही फिर से हम फिर उस भाव में आ गए वैसे ही फिर से अंतकरण में एक तेजस्विता का भाव जैसे ही देवी वृत्ति से अंतकरण युक्त होगा पक्का जानिए वहां अंतर्यामी का अवतार होगा इसका तो दोनों का संगी ही है अब यह बात है इसी को बोलते हैं कोर पर्सनालिटी हर जीव के व्यक्तित्व में कुछ कुछ बादल से आ जाते हैं निमित्त वशात प्रारब्ध वशात लेकिन जैसे ही वह बादल छटते हैं वैसे ही वह व्यक्ति का जो मूलत स्वभाव है वह दोनों तरीके से भाई यदि बुरा भी स्वभाव है तो थोड़ी देर तो अच्छा रहेगा कक्षा में और जहां वो पहुंचा तो उसका जो मूलत स्वभाव है वो क्या हो जाएगा तो फिर लोग मिलकर पूछते हैं कि आपको क्या पता इनका असली स्वरूप क्या है स्वामी जी हमसे पूछिए क्या है ये जितना आध्यात्मिक यहां दिखते हैं इनकी भाषा देखिए इनकी बात करने का देखिए आपसे हम क्या बताएं ये आपके लिए एक घंटे के लिए ये क्यों कहा उस व्यक्ति ने क्योंकि तो जो 22 घंटे का व्यवहार है वो उसने देखा है आपका वही कोर पर्सनैलिटी दूसरे वाले ने विवश कर दिया तो आप क्यों हो गए प्रश्न ये है। आप तो आध्यात्मिक थे यही यही गीता की तो चर्ची हरी रागत देशो व्यवस्थितो ये तो रहेंगे भगवान का ही कहना है लेकिन एक काम कर सकते तयो न वशम आगच्छेत छेद हाँ। हमारे जीवन की गवर्नर न बने हमारे जीवन के लीडर फैक्टर न बने रागत द्वेष तो रहेगा तो आप क्यों आ गए बना जो कोर पर्सनैलिटी है वो दोनों तरीके की हो सकती है अच्छा कोई कोई फंस कर किसी के संग में रहकर थोड़ा बुरा हो गया लेकिन जैसे ही उसको अपना वातावरण मिला तो वो फिर से सत्संग की बातें पूजा जप और स्वाध्याय और संत सेवा में फिर से क्या हो गया वो ये भी हो सकता है दैवी वृत्ति होगी तो फिर उसका अवतरण होएगा आसुरी वृत्ति होएगी तो वो वहां से गायब हो जाएगा इनमें दैवी वृत्ति तो थी इसीलिए देखो वहां भगे नहीं ते तद अजानत देवा सांतर भया डर होने के बावजूद पूज्य भाव होने के बावजूद विजिज्ञास लेकिन मन में जिज्ञासा है भाग जाते सब वहां से भागे नहीं मन में जिज्ञासा है क्या जिज्ञासा है ये कौन है ये है तो कोई तेजस्वी व्यक्ति जिसके प्रभाव में मैं अपने आप को कुछ दबा सा महसूस करता हूं कोई तो है तो जिज्ञासा की वृत्ति गई नहीं हमारी आपकी जिज्ञासा की वृत्ति यही उस दिन कह रहा था मैं मंद मुमुक्षा का मतलब क्या हुआ अन्य चीजों में जीवन में आनंद और समाधान दिखता है अन्य चीजों में ब्रह्मा अतिरिक्त ज्ञान अतिरिक्त सत्संग अतिरिक्त जहां समाधान दिखता है व्यक्ति अपने आप को वही इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझता है फिर कुछ पुण्य जाग गया फिर कोई घर में चोट लगी तो फिर आ गया तो आप इसको क्या कहोगे मंद जिज्ञासु फिर मंद जिज्ञासु को जो फल भी है वो भी कैसा है फिर वो चिल्लाता है हमने तो इतना सत्संग किया ये ऐसे नहीं है देखो ये वहीं पे डटे रहे और बोले ये है कौन पहले पता करते हैं अच्छा तो उनके देवताओं के ग्रुप में जो सबसे आगे देखो क्या बोलते हैं अग्निम अग्र अभाष्य में जो उपनिषद में शब्द आया वो क्या है अग्निम मिल गया ऊपर ही देखो आप ते अग्निम अभ्रुवन जात वेद हे अग्नि जाके जरा देखो अब्रुवन बोले एतद विजानी ही इसको जाके देखो ये कौन है तो सबसे पहले किसको भेजा अग्नि को जरा देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं अग्निम कितना अच्छा लिखते हैं अग्निम के आगे भाष्यकार क्या लिखते हैं अग्निम अग्र ग्रामीणम वाह मिल गया आपको भाष्यकार ने कितना अच्छा अर्थ किया आगे चलने वाले को अग्नि का लक्षण क्या किया अग्र ग्रामीणम जो आगे आगे चलता है वो कौन है अग्नि बोले ये अर्थ कहां से कर दिया आपने अग ग्रामीणम शब्द कहां से गया तो बोलते हैं टिप्पणी देखिए चौथे नंबर की अग्निम अग्र ग्रामीणम तदुक्तम निरुक्ते हे ये भगवान भाष्यकार ने जो अर्थ किया वो निरुक्त से किया क्या अध्ययन रहा होगा निरुक्त से यह अर्थ किया अग्र ग्रामीणम कस्माद अग्रणी भवती उत्तर शटके दैव कांडे इसका अर्थ हुआ जो आगे चलने वाला है स्पष्ट हो गया अग्नि का अर्थ क्या किया अग्र ग्रामीणम आचा उसी अग्नि के लिए एक शब्द उपनिषद में भी आया था जात वेद ये तो शब्द कहाँ आया उपनिषद में ही आया और उसी खुद ने बोला अरे प्रभु जी आप जानते हो मेरे दो दो नाम हैं अच्छा दूसरा भी नाम है क्या नाम है देखो भाष्यकार ने जातविदह का भी अर्थ क्या किया देखना छोटा है पांचवा नंबर क्या है अर्थ जात विद का अर्थ क्या किया सर्वज्ञ कल्पम इति तथा निरुक्तम जातवेदह वेद कस्मान जातानी वेद इत्यादि जो भी यहाँ पैदा होता है जातवेद कस्मान जातानी जो यहाँ पे पैदा होता है उसको जानने वाले को क्या बोलते हैं जातवेद यहाँ जो भी पैदा होता है अग्नि उन सबको क्या करती है जानती इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया जातवेद स्पष्ट हुआ जो भी होगा उसको अग्नि क्या करेगी जरूर जानेगी जातवेद अच्छा बहुत सावधानी से देखना सर्वज्ञम भाषिकार कहते हैं सावधानी से अग्नि को यदि सर्वज्ञ सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानती है यदि अग्नि सर्वज्ञ हो गई तो ब्रह्म क्या होगा हाँ हा? हा? दो सर्वज्ञ हो गए तो भाष्यकार देखो कितनी सावधान क्या बोलते हैं सर्वज्ञम कल्पम ब्रुवन्न सर्वज्ञ नहीं मानो की यह सर्वज्ञ है सर्वज्ञ नहीं है <laughs> देखो शब्द क्या लगा दिया कल्पम सर्वज्ञ कल्पम सर्वज्ञ की तरह से सर्वज्ञ तो नहीं हो सकती अग्नि स्पष्ट हो रहा है ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कल्पम सर्वज्ञ कल्पम मानो की यह सर्वज्ञ है वैसे तो यह सर्वज्ञ नहीं है तो कौन जो इसके सामने खड़ा है वो है सर्वज्ञ ठीक है ये तो थोड़ा बहुत जान जाता है तो आदमी अपने आप को क्या कहने लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं और आपने केनो उपनिषद में पहले ही पढ़ा ब्रह्म ज्ञान में जो यह बोलता है विजानी ही उसका पक्का क्षण है कि वो नहीं जानता जो यह बोल दे कि मैंने जान लिया इसका मतलब उसने नहीं जाना तो ये भी बोलती है मैं तो सब जानती हूं क्योंकि मेरे सामने ही सब पैदा हुआ है तो मैं तो सर्वज्ञ हूं भाष्यकार कहते हैं सर्वज्ञ नहीं सर्वज्ञ कल्पम उतवंत हे जातवेद्यात वेद ए देवता लोग उससे कह रहे हैं हे जात एतस एतद अस्मद गोचरस्थम ये जो हम लोगों के सामने हम लोगों के सामने यक्ष जो रूप आया है यहां पर कुछ विचित्र ढंग से दिखता है क्या है विचित्र याद रख लेना विस्म विस्मय भाव भी दिख रहा है डर अलग लग रहा है और इससे हमको पूज्यता की भी वृत्ति पैदा हो रही है पूज्य वृत्ति भी आ रही है तो जाओ अस्मद गोचरस्थम यक्षम विजानी ही। इसको जानो देखो चुटकी कैसे लेते हैं भाष्यकार ये कह के मत चले आना कि मैंने उसको जान लिया क्या जान लिया कि ये यक्ष है ये तो मुझे भी पता है ने बोलते। क्या बोलते विशेषतः विजानी ही सामान्य रूप से तो हमको भी पता है कि यह है यक्ष है थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री पता करना तो इसलिए भाष्यकार क्या ले यक्षम विजानी ही उसके आगे शब्द क्या लिखा है विशेषतः बुद्धस्व वहां पे गाड़ी जा रही थी तो हमको भी पता है गाड़ी जा रही थी तुमको किस कार्य के लिए भेजा गया था उसका विशेष जानने के लिए भेजा गया था ना इसीलिए भाष्यकार कहते हैं सामान्य रूप से तो हम लोग देवता बोलते हम भी जानते हैं विशेषतः बुद्धस्व देखो ये खूबी है भाष्य की विशेषतः बुद्ध से तुम तेजस्वी न तेजस्वी किमें यह जो हम लोगों के सामने है महाराज हम लोगों के इंद्रियों के सामने समक्ष ये तेजस्वी कौन है किमें तद यक्षमिति जाओ पता करो भाष्य में मिल गया ये किमें तद यही उपनिषद में शब्द आया है अग्नि कहता है तथासु अस्तु तथास्तु ऐसा ही होगा मैं जाता हूं और अब मैं पता करके आता हूं और विशेष रूप से पता करके आता हूं कि यह कौन है तद यक्षम तम अभ्यद्रवत महाराज वो जो अग्नि था वो यक्ष के प्रति यक्ष की ओर दौड़ा कहां से अपने कैंप से वहीं से निकला है ना ये नाव उसकी ओर दौड़ा तद यक्षम आप प्रतिगतवान देखो प्रतिगतिवान मतलब उसकी ओर क्या हुआ वो चला अच्छा अब तम गतवंतम और उसके पास गया किसके पास उसी यक्ष के पास गया अब जाने पे क्या स्थिति हुई पिप्रक्षिशुम वाह ये शब्द देखना क्या शब्द आया है मिल गया सबको ये आगे अट्ठासी पेज पे है ना पिप्रक्षिशुम प्रक्षा अस्ति यस्य यक्ष जिसमें प्रक्षा है देखो प्रक्षा है मतलब क्या कहेंगे जानने की पूछने की इच्छा है ऐसे ही शब्द क्या बना आपका जिज्ञासु जिज्ञासु मतलब जिसमें जानने की इच्छा है वह शब्द क्या बनेगा जिज्ञासु ठीक है जिसमें खाने की इच्छा है उसको क्या बोलेंगे बुभुत्सु बुभुत्सु जिसमें मोक्ष की इच्छा है मुमुक्षु जिसमें पीने की इच्छा है पिपासु जिसमें पूछने की इच्छा है जानने की नहीं जानने की नहीं पूछने की पिप्रक्षु मिल गया ये कैसे बना अभी व्याकरण है जब सन प्रत्यय लग जाता है सन प्रत्यय तो वह जो धातु में द्वित हो जाता है द्वित पिप्रक्षु जिज्ञासु मुक्षु है ना ये द्वित हो जाता है सन प्रत्यय लगकर तो शब्द क्या बन गया पिप्रक्षु प्रक्षा यस्य। जिसमें यह प्रक्षा है पूछने की इच्छा है उसको क्या बोलेंगे पिप्रक्ष स्पष्ट हो गया ये गया कौन यह पिप्रक्षु गया कौन पिप्रक्षु है ये अग्नि अच्छा अब वहां जाने के बाद तो और स्थिति बड़ी खराब हो गई गए तो बड़े तमव्य द्रवत दौड़ के गए थे ये मैं समझा चुका हूं जब अभिमान होता है तो चाल और ढाल में बदलाव आता है वाणी तो बाद में व्यक्त होती है हमारे चलने के तरीके से हमें समझ में आ जाता है कि यह जिस जिस गति से चल रहा है बड़े व्यक्ति के समीप वह दिखाता है कि यह व्यक्ति कैसा है अभिमानी बॉडी हाँ? लैंग्वेज बड़े व्यक्ति के सामने कैसे चलना पहले तो शिष्टाचार ये दिखाया जाता था कि पीठ भी नहीं दिखनी चाहिए अपनी चरण पादुकाएं भी नहीं दिखनी चाहिए आहा। यहां तक कि गुरुकुल में तो हम लोगों को यह भी सिखाया गया कि अब आपके लिए नहीं आप तो पैंट पहने अपने पैर के अंगूठा भी व्यासपीठ पर बैठे व्यक्ति को नहीं दिखना चाहिए यह आचार संहिता होती है इसलिए जब भी बैठते बैठना चाहिए तो अपने को क्या करता है व्यक्ति कवर कर लेता है ये आचार संहिता होती है और एक है जो चाल से ही समझ में आ रहा है कि व्यक्ति कैसा है अभिमानी है तो इनके साथ तो यही था गए तो बड़ी तेजी से लेकिन वहां तत्समीपे अप्रगल्भ वाह ये शब्द देखना ये आ गया प्रगलभ शब्द यही नाम रखे ना प्रगल तो ये कैसे हो गया अप प्रगलभत्वात प्रगल्भत्वात नहीं अप्रगल्भत्वात और उसका जो शरीर पर असर पड़ा वो क्या हो गया तूषणीम भूतम तद महाराज यक्ष के सामने जाते ही वो तो मौन हो गया चुप हो गया जो तेज था वो सब जो बचा खुचा तेज भी था वो भी क्या हो गया चला गया तो इसमें जो शब्द आपको अच्छे से जानने वाला है वो कौन सा शब्द है प्रगल्भता इसकी स्थिति क्या हो गई अप्रगल्भत्वा उल्टा हो गया शब्द क्या है प्रगलभ इसकी स्थिति क्या हो गई अप्रगल्भ अप्रगल्भत् मतलब क्या हुआ प्रगल्भ मतलब समझाया था आपको प्रगल्भ मतलब क्या होगा जिसको आप वन नॉट बी डोमिनेट हिंदी में इसको क्या बोलेंगे दुर्दमनीयता क्या शब्द बोलेंगे दुर्दमनीयता ऐसा तेज जिसके सामने व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दबा हुआ सा महसूस करता है ये व्यक्ति तो गया क्यों गया कि दूसरे वाले का तेज ऐसा है कि यह अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है इसको क्या बोलेंगे प्रगल्भता। और जिसका तेज ऐसा है जिसको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता इसका मतलब उसके व्यक्तित्व में क्या है प्रगल्भता इसी का भाव बन गया तो क्या बोले प्रागल स्पष्ट हो गया दुर्दमनीयता एक और टिप्पणी देखिए अच्छी सी में इसमें नहीं है रामानुजाचार्य जी ने इस प्रागल प्रगल्भ शब्द को बहुत अच्छे से गीता में भी परिभाषित किया है रामानुजाचार्य जी ने क्या बोला है दुष्टि अनभिभव आना भी देखो ये रामानुजाचार्य की परिभाषा है ये जो अर्थ किया मैंने ये यही किया है कि दुष्ट व्यक्ति साधारण व्यक्ति एक ऐसे तेजस्वी के सामने चला जाए कि वो अपने आप को क्या समझने लगे मैं तुच्छ हूं मैं तो कुछ हूं ही नहीं अच्छा अब आपको ले चलें। ए, ये मानस में हनुमान जी के लिए क्या बोला है देखी प्रताप न मन शंका किसका प्रताप देखा रावण का क्या प्रताप देखा सृष्टि को चलाने वाले सभी देवी देवता तो यहाँ खड़े पड़े कौन देख रहा है हनुमान जी यही है ना सृष्टि के चलाने वाले सभी देवी देवता तो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन हनुमान जी के मन में देख प्रताप न कपी मन उनको कतई कुछ भी नहीं हुआ उनके मन में उनके मन में कुछ भी वृत्ति नहीं आई कि ये तो बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है रावण कुछ भी अपने ऊपर शंका नहीं हुई स्पष्ट हुआ अच्छा एक आखिरी एक बात कहें जो तुलसीदास जी का बहुत क्लासिकल दृष्टांत है वो इसे लेना चाहिए सूर्योदय हो गया और सूर्य नभमंडल में चढ़ गया तो चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है हाँ? हाँ? वही प्रगल है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा में तेज नहीं है ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति में तेज नहीं है उसकी अपनी साधना है चंद्रमा में भी तो तेज है प्रकाश है रात के समय तो वही बड़ा अच्छा लगता है चंद्रमा पूरी दुनिया को लेकिन महाराज अब इसमें क्या हालत होगी चंद्रमा की सूर्य के प्रकाश के आगे हो चंद्रमा अभी कैसा हो गया है निस्तेज वाह है जिस व्यक्ति में ऐसा तेज होता है हाँ तो दूसरा वाला व्यक्ति अपने आप को ऐसा ही समझता है ध्यान रखें अच्छा इस दृष्टांत में ये दृष्टांत अपने आप में बड़ा दार्शनिक दृष्टांत है चंद्रमा में जो प्रकाश है वो किसका प्रकाश है <laughs> तो बाप के सामने लड़का भूलेगा गुरु के सामने शिष्य का तेज होगा सोच के देखो जहां गुरु का आभा मंडल होगा वहां तो शिष्य चुपी ही सूर्य के प्रकाश से ही तो चंद्रमा प्रकाशित होता है तो स्वाभाविक है कि सूर्य के समक्ष चंद्रमा की कोई गति ध्यान रखो अच्छा यहां, यहां तुलसीदास जी ने सूर्य के आगे दीपक का दृष्टांत नहीं दिया कई लोग उसमें पढ़ते हैं कई बार ना पेट लाइने आपका व्यक्तित्व ऐसे तो है जैसे कि सूर्य को ये पेट लाइन है सब ओरेटर लोगों की डायस पे बोलने की सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर आप दीपक का तो स्वयं का भी प्रकाश है जिसका सूर्य से लेना देना नहीं है लेकिन चंद्रमा का प्रकाश देखो तुलसीदास जी ने हम लोग भी किसका प्रकाश है हैं तो ब्रह्म के ही जीवाभास चिदा भास तो हैं तो हम लोग ब्रह्म ही लेकिन अभी स्थिति कैसी बनी हुई है चिदाभास की तो थोड़ा थोड़ा टिमटिम टिमटिम -टिम प्रकाश तो है लेकिन कोई साक्षात ब्रह्म आ जाता है जिसको यह बहान है उसका अपना तो हमारा प्रकाश तो अपने आप क्या हो गया दब गया है प्रगल्भता शब्द ऐसे ही यह जो अग्नि में सामर्थ्य है वो किसके कारण है वो उसी ब्रह्म के कारण जो आगे खड़ा है और ये आज उसके सामने आया तम चतवंतम पिप्रक्षिशुम तत्समीपे अप्रगल्भवा तूषणीम भूतम कैसा हो गया वहां जाते तो बहुत तेजी से गया था कि आज बोलूंगा इसको और श्रीम भूतम तद यक्षम आभ्य द्रवत अग्निम प्रत्याभाषत तो वो यक्ष ने बोला कोसीति बड़ी तेजी से आप आ रहे थे महानुभाव आपकी यक्ष ने पूछा है कोसीति कौन हो तुम एवं ब्रह्मणा पृष्ठ अग्निम अब्रवीद अब ऐसा जब ब्रह्म ने पूछा तो अग्नि क्या बोलता है अग्नि अग्निर्नामा अहम प्रसिद्ध मेरा नाम अग्नि है मैं अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हूँ अभिमान अभी भी नहीं गया क्या बोलता है मेरा एक और नाम भी है क्या नाम है जातवेदा च नाम मेरा एक और नाम भी है क्या नाम है ओ ब्रह्म भी बड़ा तेज वो बोलता है नाम में क्या रखा है बोलते मैं सबको जला सकता हूं तो बोलते हैं, नाम में क्या रखा है नाम तो कुछ भी रख लो जैसे मैंने आपको बताया था राम राम रखो चाहे श्यामलाल रखो चाहे करोड़पति रखो ऐसा ऐसा तो है नहीं अब नाम रख दिया सूर्य प्रकाश मुखमंडल कैसा होगा सोचो आप तो नाम में क्या रखा है वो यक्ष इनकी बहना वो बोलता है ना, ना नाम वाम तो रखो अपना ये बोलते मेरा एक और नाम भी है जात भी है, वो बोलता है, वो। किंग ये बताओ तुम में शक्ति नामानुरूप तुम्हारे अंदर शक्ति है या नहीं अब यहां से महाराज उनकी परीक्षा प्रारंभ होती है कौन लेता है जैसे तुम्हारा नाम है तो मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं करो तो देखेंगे कल हम लोगों के बीच स्वामी राघवानंद जी हैं